लास्ट क्लास में हमने पोलराइजेशन को स्टार्ट किया था कि पोलराइजेशन मेनली क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि पोलराइजेशन का मतलब होता है कि एक अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम पोलराइजेशन कहते हैं। और उस पोलराइजेशन में हमने पढ़ लिया था पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, कि हम रिफ्लेक्शन से किस तरीके से एक लाइट को पोलराइज करते हैं। अब हमें पढ़ना है पोलराइजेशन पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन, और फिर इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो मेनली अगर हम पोलराइजेशन ऑफ रिफ्लेक्शन से एक बात सीखे कि जब भी हम किसी लाइट को इंसिडेंट करते हैं पोलराइजिंग एंगल पर, ये थीटा इज द पोलराइजिंग एंगल, या इसको हम कह सकते हैं ब्रूस्टर एंगल। जब भी मैं कभी कोई अनपोलराइज्ड लाइट इस पर इंसिडेंट करूंगा तो मुझे दो प्रकार की लाइट मिलेगी, एक तो रिफ्लेक्टेड, दिस इज द रिफ्लेक्टेड, एंड वन इज रिफ्रैक्टेड रिफ्रैक्टेड। सो जब भी मैं किसी अनपोलराइज्ड लाइट को थीटा बी एंगल पर इंसिडेंट करूंगा तो मुझे प्लेन पोलराइज्ड रिफ्लेक्टेड लाइट मिलेगी, एंड पार्शियली पोलराइज्ड रिफ्रैक्टेड लाइट मिलेगी। आप इसको लिख सकते हो बहुत अच्छे से, पोलराइज्ड रिफ्रैक्टेड लाइट मींस व्हेन ए अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन स्मूथ सरफेस एट ब्रिविस्टर एंगल, दैट इज थीटा बी, वी गेट पोलराइज्ड रिफ्लेक्टेड लाइट एंड पार्शियली पोलराइज्ड रिफ्रैक्टेड लाइट। ओके, कि जब भी मैं किसी अनपोलराइज्ड लाइट को इंसिडेंट करता हूं स्मूथ सरफेस ब्रूस्टर एंगल पर तो मुझे जो पोलराइज्ड लाइट मिलती है जो वो तो रिफ्लेक्टेड होती है, और जो रिफ्रैक्टेड लाइट होती है वो पार्शियली पोलराइज्ड होती है। अब ये तो थी एक सिंगल सरफेस की बात, एक सिंगल स्लिट की बात। अगर इस स्लिट सिंगल स्लिट के बजाय मैं मल्टीपल स्लिट्स का इस्तेमाल करूं, इंस्टेंट ऑफ ए सिंगल स्लिट, इफ वी यूज मल्टीपल पैरेलल स्लिट्स वी गेट पोलराइज्ड रिफ्रैक्टेड लाइट। दिस प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन इज कॉल्ड पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन सो ये तरीका है किसी भी अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करने का। आप साथ साथ लिखते रहे, जैसे कि मैंने क्या बताया कि अगर मैं यहां काफी सारी स्लिट्स यूज करता, मैंने ये एक स्लिट यूज की, इसके पैरेलल में मैंने दूसरी स्लिट यूज की, इसके पैरेलल में मैंने तीसरी स्लिट की,
और अगर मैं अब इस पे एक अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट करता फिस्टिस एंगल पर, तो रिफ्लेक्टेड लाइट तो पार्शियली पोलराइज लाइट मिलती मुझे, ये तो मुझे पोलराइज लाइट मिलती, लेकिन जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो मुझे पार्शियली पोलराइज मिलती, पार्शियली पोलराइज। नाउ ये जो लाइट है ये अगेन किसी अगले उस पे आपकी सरफेस पे टकराएगी, तो उससे अगेन जो मुझे रिफ्लेक्टेड लाइट मिलेगी वो पोलराइज्ड मिलेगी, और जो आपकी रिफ्रैक्टेड लाइट होगी ये पार्शियली पोलराइज्ड मिलेगी। लेकिन कंपोनेंट्स आपके कम होते जा रहे हैं, क्योंकि कंपोनेंट कुछ यहां जाते जा रहे हैं ना, यहां पर आपके पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट दोनों थे, सपोज करो यहां पर एक दो तीन चार पैरेलल कंपोनेंट थे, चार परपेंडिकुलर थे, अब ये दो यहां पर अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट चले गए तो इधर कितने बचे, दो तो परपेंडिकुलर बचे और चार पैरेलल बचे। अब वो अगेन जब अगली स्लिट में से, सपोज करो अगली स्लिट में एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट और चला गया तो कितना बच गया, सिर्फ एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट बच गया, बाकी सारे पैरेलल कंपोनेंट बच गए। ये लाइट फर्दर अगली स्लिट में पास की, तो अगली स्लिट में जब पास हुई तो हमें जो रिफ्लेक्टेड लाइट मिली उसका वो एक कंपोनेंट भी बाहर चला गया, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसमें सारे के सारे कंपोनेंट पैरेलल कंपोनेंट आ गए। तो ये एक तरीका है कि एक अनपोलराइज लाइट को हमने लास्ट तक कैसा बना दिया, पोलराइज लाइट बना दी। तो ये तरीका कहलाता है पोलराइजेशन बाई रिफ्रैक्शन। तो हमने दो तरीके सीखे, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन एंड पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना मैं आगे मूव करता हूं। हाँ जी सर, ओके। नाउ ये काम हम लास्ट क्लास में भी कर चुके थे, अब हम थोड़ा आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट मेथड जो पोलराइजेशन का है वो है पोलराइजेशन By scattering, scattering। इसको समझिएगा, इसका प्रिंसिपल समझेंगे ये कैसे काम करता है। ये सपोज करो हमारे पास एक सैंपल, ये एक हमारे पास क्या है, सैंपल, सैंपल ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एक सैंपल, ये मटेरियल ट्रांसपेरेंट है, ये मटेरियल जो है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से बना हुआ है, मतलब जिनका साइज बहुत ज्यादा छोटा है उसे बना हुआ है। जब इस सैंपल के ऊपर मैं कोई लाइट को इंसर्ट करूंगा, ये मैंने कोई लाइट को क्या किया, इंसर्ट किया, बिल्कुल नेचुरल लाइट, नेचुरल लाइट में जब भी कह दूं तो आप क्या समझोगे कि लाइट कैसी है आपकी, अनपोलराइज्ड लाइट। तो ये मैंने अनपोलराइज लाइट को क्या किया, इस पर इंसिडेंट करा। तो ध्यान से सुनिएगा क्या होगा, ऑब्जर्वेशंस होती वो क्या थी, पहले उन ऑब्जर्वेशंस की तरफ ध्यान देते हैं, फिर वो ऑब्जर्वेशंस की एक्सप्लेनेशन कैसे दी उस चीज पर ध्यान देंगे। ऑब्जर्वेशन ये थी कि अगर मान लो आपका सैंपल ये रखा है और लाइट ऐसे इंसिडेंट कर रही है, और ये इंसिडेंट लाइट आपकी अनपोलराइज्ड लाइट है, इंसिडेंट लाइट कैसी है, अनपोलराइज्ड लाइट है, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। और सपोज करो ये जो एक्सिस है ये आपकी जेड एक्सिस है, तो ये एक्सेस कौन सी हो गई भाई, एक्स एक्सेस, और ये जो इस प्लेन में इधर आएगी ये आपकी कौन सी एक्सेस हो गई, वाई एक्सेस, बताता हूं। ये आपकी इधर वाली एक्सेस कौन सी हो गई, वाई एक्सेस। तो ये कहता है कि आपकी इस एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में ये जो कंपोनेंट है बेटा,
ये आपके जो रहेंगे ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट रहेगी. दिस इज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ये ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब एक अनपोलराइज्ड लाइट को हम किसी सैंपल पर इंसिडेंट करते हैं तो उस से परपेंडिकुलर दिशा के अंदर जो लाइट स्कैटर्ड हुई होगी वो आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है. एंड इसके अलावा जो भी दिशा है थीटा एंगल पर बना के वो जो लाइट आपकी निकलेगी वो आपकी पार्शियली पोलराइज्ड लाइट होगी. ये है ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन को अगर हम लिखना चाहें तो ऑब्जर्वेशन क्या है ध्यान से सुनिएगा. व्हेन नेचुरल लाइट का मतलब क्या हो गया बेटा, अनपोलराइज्ड लाइट. आप मेरे साथ साथ लिखते चले जाएं, इज इंसिडेंट ऑन ए ट्रांसपेरेंट सैंपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. पार्टिकल्स क्या होगी, द स्कैटर्ड लाइट, लाइट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज पोलराइज्ड एंड द स्कैटर्ड लाइट other than perpendicular direction, direction is partially polarized, is partially polarized. ये कह रहा है जिस लाइट पर, जिस डायरेक्शन में हम इंसिडेंट लाइट को डाल रहे हैं इस दिशा से जो परपेंडिकुलर दिशा है उसमें तो आपको प्लेन पोलराइज मिलेगी और इनके अलावा जो भी एंगल होगा उस डायरेक्शन में हमें पार्शियली पोलराइज लाइट मिलेगी. दिस मेथड इज कॉल्ड पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग. अब क्वेश्चन ये आना चाहिए कि ऐसा क्यों होगा, हमें क्यों परपेंडिकुलर दिशा में ही प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगी, ये हमारा क्वेश्चन होना चाहिए. इस क्वेश्चन को हम समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है. बेटा आपने ये चीजें लिख ली, मैं इरेज करूं थोड़ा. हाँ जी, यस सर. ओके, बिल्कुल प्रॉपर नोट्स को प्रिपेयर कर लो. अब देखिएगा इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है. अगर मैं सैंपल के अंदर की बात करूं तो सैंपल किससे बना हुआ है, एटम्स से. तो ये एटम्स की क्या है, स्टेट्स है. दीज आर द एनर्जी स्टेट्स. समझो इसको, ये एक प्रकार से मैं इसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं. ये है एनर्जी स्टेट्स ऑफ एटम्स. ये एटम रखे हुए हैं, जब इस पर लाइट इंसिडेंट करती है, वो अनपोलराइज्ड हो, तो ये जो एटम्स है ये क्या करते हैं, अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं. एनर्जी को गेन करके क्या जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे. लेकिन एक्साइटेड स्टेट में कोई भी एटम जो है वो स्टेबल नहीं होता, तो वो दोबारा अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए डीएक्साइट होगा और अपनी स्टेट में चला जाएगा. तो डीएक्साइटेशन होगा. एक्साइटेशन ने इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था, डीएक्साइटेशन ने एनर्जी को एमिट कर दिया. लेकिन डायरेक्शन, एनर्जी आ किसी भी डायरेक्शन से सकती है,
किसी भी डायरेक्शन से एटम के ऊपर एनर्जी आ सकती है, लेकिन जो एनर्जी बाहर निकलेगी वो हमेशा जो ये डीएक्साइटेशन हुआ है इसके परपेंडिकुलर दिशा में होगी। मतलब ये ऐसी तो एनर्जी आपकी बाहर निकलेगी, या दूसरी भाषा में मैं बात करूं कि जब एक अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करती है एटम्स पर, तो ये एटम वाइब्रेट करते हैं। बेटा इसको वाइब्रेशन तो कह सकते हैं, एटम एक्साइट किया, डीएक्साइट किया, डीएक्साइट हो गया। अभी अगर लगातार एनर्जी हम डाल रहे हैं तो दोबारा एक्साइट करेगा, दोबारा डीएक्साइट करेगा, तो एक्साइट डीएक्साइट, ये रिपीटिंग मोशन हो गया, इसीलिए इसको हम वाइब्रेटिंग मोशन कह सकते हैं। तो जब एक अनपोलराइज्ड लाइट किसी एटम पर इंसिडेंट करती है तो एटम वाइब्रेट करता है, और इस वाइब्रेशन के कारण हम कह सकते हैं कि बाहर लाइट निकलती है, या डीएक्साइटेशन के कारण बाहर एनर्जी निकलती है। और ये जो एनर्जी बाहर निकल गई है, ये एनर्जी आपकी कैसी होती है? दिस एनर्जी इज, दिस लाइट इज पोलराइज्ड। क्यों? क्योंकि ये हमेशा इस एटम के डीएक्साइटेशन के परपेंडिकुलर है। सो एक्चुअल में रियलिटी के अंदर इस तरीके से पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग हो रहा है। द एक्सप्लेनेशन क्या है कि व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए मटेरियल या सैंपल, इट्स एटम्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग। एज ए रिजल्ट पोलराइज्ड लाइट एमिट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन की दिशा के परपेंडिकुलर जो है आपकी लाइट बाहर निकलेगी। एटम इस तरीके से डीएक्साइट हुआ, ऊपर से नीचे डीएक्साइट हुआ, तो एनर्जी तो बाहर निकलेगी ना, तो दिशा कैसी होगी आपकी? परपेंडिकुलर दिशा होगी। तो जब एक अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट करती है सैंपल के ऊपर, तो इट्स एटम स्टार्ट वाइब्रेटिंग। एटम स्टार्ट वाइब्रेटिंग का मतलब क्या कह सकता हूँ? एटम्स ने एनर्जी को लिया, वो आपका ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गए, एक्साइट से डीएक्साइट हुए अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, और इस मोशन को हम वाइब्रेटिंग मोशन कह सकते हैं। और उससे क्या हुआ? उससे जो बाहर लाइट निकली, इस डीएक्साइटेशन से जो बाहर लाइट निकली, वो आपकी पोलराइज्ड लाइट हो। दिस मेथड इज कॉल्ड पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग से भी हमने पोलराइज्ड लाइट को फॉर्म कर लिया। अब तक हमने तीन मेथड पढ़ लिए, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। दीज आर द थ्री मेथड फॉर पोलराइजेशन। बताओ यहां तक किसी को डाउट है? मूव करूं? ओके, सो द नेक्स्ट मेथड इज पोलराइजेशन बाय सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। ध्यान से सुनिएगा इस मेथड को। कुछ मेटीरियल्स ऐसे होते हैं जो आपकी जो लाइट इंसिडेंट कर रही है उसके कुछ कंपोनेंट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। ऐसे मेटीरियल्स को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्बिंग कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं, या डाइक्रोमिक मटेरियल भी कह देते हैं, डाइक्रोमिक मटेरियल भी कह देते हैं। कुछ ऐसे मटेरियल सैंपल नेचर के अंदर प्रेजेंट है, उसका एग्जांपल मैं आपको दूं तो टर्मिनल, जो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलग अलग तरीके से अपने आप बिहेवियर को चेंज करते हैं। कुछ कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ कंपोनेंट्स को क्या करते हैं? आपका ट्रांसमिट कर देते हैं। जैसे टर्मिलिन एक ऐसा एग्जांपल है मटेरियल का
जो कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने। तो पोलराइजेशन बाय सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन में हम क्या करते हैं, वी चूज सच ए मटेरियल जो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स को अपने अंदर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। कैसे क्या होता है, ध्यान से सुनिए। जब एक अनपोलराइज्ड लाइट मतलब क्या हुआ, जिसके पास दोनों कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट भी और परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जब एक अनपोलराइज्ड लाइट को इंसिडेंट किया जाता है इसके ऊपर, एक मटेरियल के ऊपर, इस मटेरियल को हम डाइक्रोमिक मटेरियल भी कह देंगे, या इसका एग्जांपल कौन सा हो गया आपका, थर्मलाइट। रमनिन क्रिस्टल। तो क्या होता है कि जो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, ये तो बेटा सीधे के सीधे चले जाते हैं विदाउट एनी एब्जॉर्बिंग, मटेरियल के अंदर क्या हो जाते हैं बेटा, पास हो जाते हैं, ये पास हो गए देखो। और ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, ये धीरे धीरे इनका मैग्नीट्यूड जो है वो कम होता चला जाता है। धीरे धीरे इनका मैग्नीट्यूड क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। और एक ऐसी स्टेज आती है कि ये जो कंपोनेंट्स है कंप्लीटली वैनिश हो जाते हैं और बाहर की साइड हमें कंप्लीटली कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट मिलती है। ठीक है, तो कितने कमाल का मटेरियल है कि इस मटेरियल, ये अपने नेचर को बदलता है कि इसको दिख रही है कि कोई अनपोलराइज्ड लाइट इसके पास आ रही है, तो उसके कुछ कंपोनेंट्स को तो ये पास होने देगा और कुछ कंपोनेंट्स को क्या करेगा, उनको अपोज करेगा। अपोज करना मतलब उनको पास नहीं होने देगा, उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देगा। इस मटेरियल की संरचना ही कुछ इस तरीके से होती है। तो इस मेथड को हम पोलराइजेशन बाय सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे कि जब एक अनपोलराइज्ड लाइट को एक डाइक्रोमिक मटेरियल या एक टर्मिनल क्रिस्टल से पास किया जाता है, तो इसका एक कंपोनेंट, अब वो एक कंपोनेंट बेटा आपको दिख रहा होगा पैरेलल कंपोनेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पैरेलल कंपोनेंट स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट रिमेन सेम एंड फाइनली वी गेट ए पोलराइज्ड लाइट। अगर इस मटेरियल की एक सफिशियंट थिकनेस है तो मुझे बाहर पोलराइज्ड लाइट मिल जाए, अगर ये थिकनेस कम है तो हो सकता है कुछ कंपोनेंट मुझे पैरेलल के मिल जाए, लेकिन अगर इसकी थिकनेस सफिशियंट है तो मुझे बाहर पोलराइज्ड लाइट मिल जाए। ये है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन का तरीका। पूरे को अच्छे से लिखने, क्या कह रहा है जरा देखते, व्हेन ए अनपोलराइज्ड लाइट is incident on tourmaline crystal, या बेटा dichromic crystal, it's the magnitude of parallel component start decreasing and the magnitude of perpendicular component remain same as it passes through
दिस मेटीरियल एंड इफ टर्मिनेट क्रिस्टल हैव सफिशियंट साइज, अगर उसका सफिशियंट साइज है तो पैरेलल कंपोनेंट कंप्लीटली वेनिस एंड वी फाइनली गेट ए पोलराइज्ड लाइट. दिस प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन इज कॉल्ड पोलराइजेशन बाय, क्या बेटा, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन. कमाल का मेथड है. इस पोलराइजेशन मेथड को पोलराइजेशन बाय सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं. क्या आपको क्लियर हो गया? क्या कह रहे हैं कि जब एक अनपोलराइज्ड लाइट को टर्मिनल क्रिस्टल पर इंसिडेंट किया जाता है तो बेटा उसका कुछ मैग्नीट्यूड जो पैरेलल कंपोनेंट का वो डिक्रीज करना स्टार्ट करता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का जो मैग्नीट्यूड है वो रिमेन सेम होता है एज पासेस थ्रू द मटेरियल. एंड इफ द टर्मिनल मटेरियल हैव सफिशिएंट साइज सफिशिएंट विड्थ तो पैरेलल कंपोनेंट आपका कंप्लीटली वैनिशेस हो जाता है और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है बेटा ये आपको मिलते हैं, मींस हमें पोलराइज्ड लाइट बाहर मिलती है. तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मटेरियल कि एक कंपोनेंट को विरोध करता है और उस कंपोनेंट को धीरे धीरे खत्म कर देता है. ये इस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इसकी संरचना, इसके ज्योमेट्री की एक प्रॉपर्टी है. बेटा क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ जी बताइए प्लीज. यस सर. नोट कर लिया सभी बच्चों ने? यस सर. ओके वेरी गुड. नाउ मैं एक बार बेटा लिंक दोबारा सेंड कर रहा हूँ आपके पास प्लीज. सो नेक्स्ट मेथड ऑफ पोलराइजेशन इज पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन. मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन. एक्चुअली पोलराइजेशन ऑफ डबल रिफ्रैक्शन को सीखने से पहले हमें क्या क्या सीखना होगा और इस टॉपिक में हम क्या क्या सीखेंगे मैं आपको वो बताता हूं. मैं इस टॉपिक में आपको मेनली क्या बताऊंगा? अबाउट कैल्साइट क्रिस्टल. एक ऐसा स्पेशल टाइप का क्रिस्टल है जिसमें डबल रिफ्रैक्शन नाम का फिनोमेना होता है. कैसे होता है, क्या होता है, वो चीजें हम बाद में पढ़ेंगे. पहले हम इस कैल्साइट क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कि डबल रिफ्लेक्शन एक्चुअली है क्या, और फिर मैं आपको एक फेमस टॉपिक है निकोल प्रिज्म, इसके अंदर भी बेटा ये जो डबल रिफ्लेक्शन वाला फिनोमेना होता है और उससे हमें पोलराइज्ड लाइट मिलती है. तो ये तीनों टॉपिक हम इसमें कवर करें, क्या, अबाउट द कैल्साइट क्रिस्टल, अबाउट द डबल रिफ्लेक्शन एंड निकोल प्रिज्म. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद कैल्साइट क्रिस्टल. कैल्साइट क्रिस्टल एक्चुअल में है क्या? जनरल फॉर्मूला अगर मैं कैल्साइट क्रिस्टल का बताऊं आपको तो वो होता है CaCO3. कैल्साइट क्रिस्टल दिखने में कैसा होता है? इट इज अ कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट. इट इज ए कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट. मेनली बेटा पाया कहां जाता है कैल्साइट क्रिस्टल? जो कैल्साइट है, जो क्रिस्टल है, वो पाया कहां जाता है? आइसलैंड. मेनली आइसलैंड में पाया जाता है. बेसिकली आपको कैल्साइट क्रिस्टल क्या है मैं आपको बताता हूं.
एक्चुअली ये स्पार्क है। स्पार्क आपने समुद्र के अंदर देखा होगा कि जब लहरें आती हैं तो वो जहाज जहाज स्पार मतलब एक जहाज टाइप होता है, तो लहरों के साथ जैसे जहाज बन जाते हैं और वो किनारे पर आते हैं, तो जब वो किनारों पर आएगा तो वो अपने जहाज जो है स्पार है उसको छोड़ जाएगा और पानी पानी वापिस चला जाएगा लहरों के साथ। अगली बार दोबारा एक लहर आएगी और कुछ स्पार जो है और छोड़ जाएगी, फिर पानी वापिस चला जाएगा। तो इस तरीके से ये जो जहाज है जो कलरलेस ट्रांसपेरेंट जो जहाज होते हैं ये मिलकर 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 टाइम के साथ बेटा एक कैल्साइट क्रिस्टल का निर्माण कर देते हैं, एक कैल्साइट क्रिस्टल बना देते हैं। स्पार का मतलब जहाज हो गए। इसीलिए बेटा समटाइम इस कैल्साइट क्रिस्टल को हम आइसलैंड स्पार भी कह देते हैं, आइसलैंड स्पार भी कह देते हैं बेटा। तो मेनली ये कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है, आइसलैंड पाया जाता है। और कैसे बनता है मैंने आपको बता दिया इन जनरली कि जहाज जो है लहरों के साथ वो जहाज आते हैं और किनारों पर इकट्ठे होते चले जाते हैं और जैसे जैसे समय बीतता है वो इकट्ठे होते होते कंपोजिट फॉर्म बना देते हैं जिसको हम कैल्साइट क्रिस्टल कहते हैं। और नेचर की खूबसूरती इतनी है कि ये जो कैल्साइट क्रिस्टल है जब ये नेचुरली जब ये इकट्ठा होता है तो फाइनली एक रोम्बोहाइड्रल स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? रोम्बोहाइड्रल स्ट्रक्चर। रोम्बोहाइड्रल एक क्या कहते हैं हेक्सागोनल फैमिली, हेक्सागोनल सिस्टम का एक पार्ट होता है। तो मेनली स्ट्रक्चर आप हेक्सागोनल भी कह सकते हो, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। अब आप कहोगे कि सर हेक्सागोनल कैसा होता है? हेक्सागोनल एक्चुअली सिक्स पैरेललोग्राम से मिलकर बनता है। सिक्स पैरेललोग्राम जब आपस में जुड़ते हैं फेसेस के रूप में तो वो हेक्सागोनल का निर्माण करते हैं। तो एक कैल्साइट क्रिस्टल का किस तरीके का नेचुरल स्ट्रक्चर होता है अगर मैं उसको बात करूं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कैसे बनता है बेटा? सिक्स पैरेललोग्राम फेसेस, पैरेललोग्राम आपको पता होगा ना बेटा, अपोजिट साइड जो है क्या होती है? पैरेलल इक्वल। ये जो एंगल होता है बेटा इस पैरेललोग्राम का दैट इज द 71 डिग्री मोस्ट इंपोर्टेंट। और ये जो बड़ा वाला एंगल जो बढ़ता है बेटा, ये जो एंगल बनता है ये बनता है 109 डिग्री। तो छोटा वाला एंगल होता है बेटा पैरेललोग्राम का वो तो 71 डिग्री का बनेगा और जो बड़ा वाला जो एंगल बनेगा बेटा वो आपका 109 डिग्री का पड़ेगा। क्लियर? ये पैरेललोग्राम के बारे में। तो अगेन मैं कैल्साइट क्रिस्टल का अगर आपको सारी चीजें बताऊं तो इसका कॉमन फॉर्मूला हो गया CaCO3। ये कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, मेनली जो बेटा मिलता है आइसलैंड में मिलता है, इट इज एक्चुअली फॉर्म्ड बाय द स्पार, जाग से बनता है, इसीलिए इसको आइसलैंड स्पार भी कह देते हैं। द स्ट्रक्चर इज रोम्बोहाइड्रल स्ट्रक्चर which belong to the hexagonal family and hexagonal family having six parallelogram faces and the faces angle is 71 degree and 109 degree। इस तरीके से parallelogram आपके बनते हैं। अब कैसे बना बेटा? ये एक parallelogram हो गया, ऐसे छह parallelogram आपके मिलेंगे और फिर ये एक structure आपका बन जाएगा। For example मैं बनाता हूँ आपके सामने अभी। कुछ बन गया, बनाना ही पड़ेगा हमें। ये बेटा एक पैरेललोग्राम हो गया। ये एक दूसरा पैरेललोग्राम हो गया। तो इन पैरेललोग्राम के को जोड़ दो तो ये आपके पास एक रोम्बोहाइड्रल स्ट्रक्चर बन गया। इस रोम्बोहाइड्रल स्ट्रक्चर में एक्चुअली देखा जाए तो ये जो कॉर्नर है और ये जो कॉर्नर है, ये जो फेस है ये एंगल भी बेटा 109 डिग्री होगा, ये एंगल भी 109 डिग्री होगा और ये एंगल भी आपका 109 डिग्री होगा।
सिमिलरली ये एंगल भी बेटा 109 डिग्री होगा, ये एंगल भी 109 डिग्री होगा और ये एंगल भी 109 डिग्री होगा। इसलिए इन कोण को, ये जो कोण बना आपका, ये जो कॉर्नर बना, इस कॉर्नर को हम ब्लंट कॉर्नर कहते हैं, ब्लंट कॉर्नर। दिस कॉर्नर इज ब्लंट कॉर्नर, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। तो बेसिकली हमने इस पूरे कैल्साइट क्रिस्टल के बारे में क्या पढ़ा, कि कैल्साइट क्रिस्टल हैविंग कॉमन फॉर्मूला CaCO3, इट इज कलरलेस, इट इज ट्रांसपेरेंट, इट इज मेनली फाउंड इन आइसलैंड एंड मेड अप ऑफ आइसलैंड स्पार, इट हैविंग रोम्बोहाइड्रल स्ट्रक्चर व्हिच बिलोंग टू ए हेक्सागोनल फैमिली एंड हेक्सागोनल फैमिली हैविंग 6 पैरेललोग्राम फेसेस एंड ईच फेसेस ईच पैरेललोग्राम Having angle 71 degree and 109 degree. और उनसे आपका ये स्ट्रक्चर बना, और इस स्ट्रक्चर के उन कॉर्नर का, जिन कॉर्नर पर हरेक जो आपकी एक्सेस है वो 109 डिग्री का एंगल बना रही है, उनको हम ब्लंट कॉर्नर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लंट कॉर्नर कहते हैं। तो ये हमने कैल्साइट क्रिस्टल के बारे में सीखा। एक बात और सिखाता हूं मैं, आपने कई बार एक्सेस ऑफ क्रिस्टल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर बार बार आता है, एक्सेस ऑफ क्रिस्टल। इसमें एक्सेस ऑफ क्रिस्टल क्या है, बार बार पूछ जाती है। तो एक्सेस ऑफ क्रिस्टल हम कैसे ड्रा करें, तो आप एक ये जो ब्लंट कॉर्नर है, इस ब्लंट कॉर्नर पे आप एक देखो यहां पर हम एक लोहे की जो कील है, सोचते ना बेटा, उसको अगर इस कॉर्नर पर मैं लगाओ, ठोक दो इसको और ठोक कर उसके ऊपर एक तागा बांधो, और ये तागा कुछ इस तरीके से बांधो कि ये तागा हर एक एक्सिस के साथ एक इक्वल एंगल बना रहा हो इन तीनों एक्सिस के साथ, समझे। ब्लंट कॉर्नर पर मैंने एक कील को ठोका और उस कील से मैंने एक तागे को बांध दिया, और उस तागे को मैंने इस तरीके से पकड़ा कि वो हर एक एक्सिस से बराबर एंगल बना रहा है। अगर उस तागे को नीचे की तरफ लंबा में बढ़ा दो तो वही आपकी एक्सिस ऑफ क्रिस्टल होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज द एक्सिस पासिंग थ्रू द ब्लंट कॉर्नर विच मेक इक्वल एंगल विद ऑल थ्री एक्सिस बाय विच ब्लंट कॉर्नर मेड अप। क्लियर? मतलब ये वो एक्सिस है जो ब्लंट कॉर्नर से पास कर रही है अंदर की तरफ इस तरीके से, और जो हरेक एक्सिस के साथ आपके इक्वल एंगल बना रहे, इट इज द एक्सिस विथ पासिंग थ्रू ब्लंट कॉर्नर एंड मेक इक्वल एंगल विद ऑल थ्री एक्सिस बाय विच ब्लंट कॉर्नर मेड ऑफ, जिससे ब्लंट कॉर्नर जिन एक्सिस से मिलकर बना है उससे ये जो एक्सिस है ये इक्वल एंगल बनाती है और ये ब्लंट कॉर्नर से आपके पास होती है। सिमिलरली आपको एक ब्लंट कॉर्नर यहां दिख रहा है तो यहां से एक पास हो, ये एक्चुअली बेटा क्या होती है, दीज आर द एक्सिस ऑफ क्रिस्टल। तो कोई कैल्साइट क्रिस्टल की एक्सिस पूछ ले तो मैंने उसकी भी आपको डेफिनेशन दे। तो व्हाट इज द कंक्लूजन अबाउट द कैल्साइट क्रिस्टल, कॉमन फॉर्मूला CaCO3, कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, आइसलैंड में मिलता है, आइसलैंड स्पार्स से मिलकर बनता है, रोम्बोहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल फैमिली का है, 6 पैरेललोग्राम फेसेस से मिलकर बनता है,
हर एक पैरेललोग्राम का 71 डिग्री और 109 डिग्री एंगल होता है, और इसमें फिर ब्लंट कॉर्नर कौन सा होता है, जो एक्सेस 109 डिग्री का एंगल बना रही है उनको ब्लंट कॉर्नर कहते हैं। और एक्सेस ऑफ क्रिस्टल क्या होता है कि एक ऐसी एक्सेस जो ब्लंट कॉर्नर से पास होती है और हर एक एक्सेस के साथ इक्वल एंगल बनाती है, ऐसी एक्सेस को हम ब्लंट एक्सेस ऑफ क्रिस्टल कहते हैं। ये था कैल्साइट क्रिस्टल के बारे में। अब इस कैल्साइट क्रिस्टल में इतना कमाल का फिनोमेना होता है कि ये लाइट को दो हिस्सों में तोड़ देता है, जिसको हम डबल रिफ्लेक्शन कहते हैं। इस चीज को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? तो आप यहां तक कर लेना, किसी को डाउट हो तो यहां तक प्लीज आप पूछ सकते हो। आज बताओ, एक बार आप अपने रोल नंबर लिख के चैट बॉक्स में सेंड कर दे प्लीज, फास्ट एक बार रोल नंबर चैट बॉक्स में लिखकर सेंड कर दो। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास, थैंक यू।